Good afternoon, students. Let's start our lecture. Within last lecture, we have completed the topic that is 1.2 .NET framework, right? कि जिसके अंदर हमने देखा था what is framework, then we have seen what is .NET framework, and then we have also seen different components of .NET framework, right? So these were the things which we have covered within the previous lecture. Now within this lecture we will start with the topic that is 1.4 common language runtime, right? Again I repeat, within this lecture we will start with the topic that is 1.4 common language runtime, jise hum CLRB kehte hai, right? Okay, as you are able to see on your screen, this is the application execution cycle, right? Ki jiske andar maine aapko differentiate karke bataya hai ki pehle VB jab tha या फिर VC++ जो था उसके अंदर क्या सिनारियो था, .NET के अंदर क्या सिनारियो है एंड जावा के अंदर क्या सिनारियो है. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आफ्टर ऑल वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन साइकिल डिफरेंट होती है, राइट? सो जो पहले VB था जिसे हम VB6 कहते थे, VC++ था, वहां पे जो एग्जीक्यूशन साइकिल थी वो डिफरेंट थी. .NET के अंदर जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो डिफरेंट है, एंड अगर हम जावा की बात करें तो वहां पे भी एग्जीक्यूशन साइकिल डिफर करती है, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट VB6 और VC++, तो वहां पे जो भी कंपाइलेशन होता था, द कोड इज डायरेक्टली कंपाइल्ड इनटू द नेटिव कोड. अगेन आई रिपीट, जो हम VB6 या फिर VC++ का जो प्लेटफॉर्म था अगर हम उसकी बात करें, तो वहां पे जो एग्जीक्यूशन साइकिल थी उसके अंदर क्या होता था, द सोर्स कोड विच इज रिटन आइदर इन VB लैंग्वेज और VC++ लैंग्वेज, दैट पर्टिकुलर सोर्स कोड इज डायरेक्टली कंपाइल्ड इन टू दी नेटिव कोड. वहां पे बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता था. बट इफ वी टॉक अबाउट .NET एंड इफ वी टॉक अबाउट जावा, राइट, आप दोनों सिनारियोज देख सकते हो. अगर हम .NET की बात करें, देन ऑब्वियसली .NET के अंदर जो भी लैंग्वेज के अंदर हम सोर्स कोड लिखते हैं, राइट, वो सोर्स कोड पहले कम लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके MSIL के अंदर कन्वर्ट होता है. अगेन आई रिपीट, .NET के अंदर जो भी हम कोई भी लैंग्वेज का यूज करके, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस के जो .NET सपोर्ट करता है उसके अंदर जो हम सोर्स कोड लिखेंगे, राइट, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके कंपाइल होगा, एंड दैट पर्टिकुलर सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू MSIL व्हिच इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट लैंग्वेज, राइट? एंड वंस दैट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड इज जनरेटेड, उसके बाद वो CLR को दिया जाता है. विद इन CLR इट इज अ JIT कंपाइलर, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और वो कन्वर्ट होता है इनटू द नेटिव कोड. अगेन आई रिपीट, एंड दैट MSIL इज कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर के जो CLR के अंदर अवेलेबल है, राइट? ओके, नाउ इफ वी कंपेयर बोथ द एग्जीक्यूशन साइकिल दैट इज ऑफ .NET एज वेल एज ऑफ जावा, तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा जो लैंग्वेज है, मतलब उसका जो सोर्स कोड है, वहां पे पहले वो कंपाइल होगा विद इन द बाइट कोड, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, दैट पर्टिकुलर बाइट कोड इज कंपाइल्ड इन टू द नेटिव कोड, राइट? सो वी कैन से कि जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो पहले के जो प्लेटफॉर्म्स थे उसमें डिफरेंट थी, एंड अब के जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर डिफरेंट है. जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, राइट, विच इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कोड इज कंपाइल्ड इन टू नेटिव कोड विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर, right? So this is very important thing regarding the application execution cycle ke jo aapko yahan pe consider karna hai, right? Okay, now if we talk about the execution model specific to CLR, again I repeat, if we talk about the execution model specific to CLR, right, that is common language runtime, to मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि ओके, वो जनरलाइज वे में मैंने आपको समझाया था कि जो सोर्स कोड हम लिखते हैं वो .NET सपोर्ट करता है, वैसी लैंग्वेजेस में हम सोर्स कोड लिखते हैं, फिर वो कंपाइल होता है इन द इंटरमीडिएट लैंग्वेज, उसके बाद CLR उसे यूज करता है, एंड आफ्टर दैट दैट इज कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड. वो जनरल सिनारियो हमें पता है. नाउ वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, मतलब CLR का यूज करके जो एग्जीक्यूशन मॉडल है within .NET framework वो actual कैसे work करता है, right? वो अब हम detail में देखेंगे. Okay, now we know
कि जो हम सीएलआर की बात करते हैं, राइट, इट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क. इसीलिए तो हम उसे हार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क भी कहते हैं, बिकॉज विदाउट सीएलआर हम हमारे एप्लीकेशन को विद इन डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपाइल नहीं कर पाएंगे, दैट इज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, राइट. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सीएलआर इज द कोर कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, और वी कैन ऑल्सो से इट इज अ हार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क. नाउ सीएलआर कहाँ पे यूज होगा? अगर हम जनरलाइज वे में बात करें, देन इफ वी वांट टू कंपाइल एमएसआईएल कोड टू नेटिव कोड, तो वहां पे सीएलआर यूज होता है. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, देन अगर हमें एमएसआईएल कोड को नेटिव कोड के अंदर कंपाइल करना है, तो वहां पे सीएलआर यूज होता है, राइट. दिस इज द जनरल थिंग्स कि जो हमें ऑलरेडी सीएलआर के रिगार्डिंग पता है, राइट. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम सीएलआर की बात करें, देन वी कैन से ऑब्वियसली इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट. एंड ये सीएलआर क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी. फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी के रिलेटेड फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करेगा, डीबगिंग के रिलेटेड वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिलेटेड वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा. एंड ऑब्वियसली जो भी दूसरी सारी लैंग्वेजेस है कि जिसे डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, उसके रिगार्डिंग भी जो वर्जन के रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो भी सीएलआर प्रोवाइड करता है, राइट. सो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म्स में देखें, राइट, देन वी कैन से कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि ओके, जो भी सोर्स कोड है वो हमने यहाँ पे वीबी लैंग्वेज के अंदर लिखा है, यहाँ पे सी शार्प लैंग्वेज के अंदर लिखा है, या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर लिखा है, राइट. दीज आर द सोर्स कोड, राइट. अब ये जो सोर्स कोड है, दे आर कंपाइल्ड इनटू द एमएसआईएल कोड. अगेन आई रिपीट, सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू एमएसआईएल कोड, बट वो कैसे कंपाइल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई रिपीट, वो कैसे कंपाइल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम सोर्स कोड का कंपाइलेशन करते हैं विद टू एमएसआईएल कोड, देन वी कैन से इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर. अगेन आई रिपीट, वी कैन से इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर. आई एम यूजिंग द वर्ड ओवर हियर दैट इज लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर. मतलब अगर वीबी का को सोर्स कोड है तो वहां पे वीबी रिलेटेड कंपाइलर होना चाहिए, सी शार्प का सोर्स कोड है तो वहां पे सी शार्प रिलेटेड कंपाइलर होना चाहिए, सी प्लस प्लस का सोर्स कोड है तो वहां पे सी प्लस प्लस के रिलेटेड कंपाइलर होना चाहिए. दैट इज लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर. एंड ऑब्वियसली वो जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ कंपेटिबल होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, वो जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ कंपेटिबल होना चाहिए. वंस दैट पर्टिकुलर सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू दिस एमएसआईएल कोड, जिसे हम असेंबली इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहेंगे, या फिर सिर्फ इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कहेंगे, या फिर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड भी कह सकते हैं. दिस पर्टिकुलर कोड इज नोन एज मैनेज कोड. अगेन आई रिपीट, दिस पर्टिकुलर कोड कि जिसे हम एमएसआईएल कहते हैं, या फिर एआईएल कहते हैं, या फिर सिर्फ आईएल कहते हैं, या फिर सीआईएल कहते हैं, राइट, दिस पर्टिकुलर कोड इज नोन एज मैनेज कोड, राइट. ऑब्वियसली फर्दर मैं आपको समझाऊंगी दैट व्हाट इज मैनेज कोड, व्हाट इज अनमैनेज कोड, वो हम डिटेल में देखेंगे, राइट. बट ओवर हियर राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ओके, दिस एमएसआईएल कोड इज नोन एज मैनेज कोड. वंस दिस एमएसआईएल कोड इज जनरेटेड, देन इट इज यूज बाई सीएलआर. अगेन आई रिपीट, ये जो एमएसआईएल कोड यहाँ पे जनरेट होता है, इट इज यूज बाई सीएलआर. अब सीएलआर उसे कहां पे यूज करेगा? ऑब्वियसली सीएलआर को उसे एग्जीक्यूट करना है तो उसे यूज करना पड़ेगा. लेकिन उसे यूज करने से पहले सीएलआर के अंदर जो जिट कंपाइलर है, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज करके वो एमएसआईएल कोड पहले कन्वर्ट होगा नेटिव कोड के अंदर. अगेन आई रिपीट, सीएलआर के अंदर जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, दैट इज जिट कंपाइलर है, राइट, वो जिट कंपाइलर एमएसआईएल कोड को लेगा एंड उसे नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा. एंड आफ्टर दैट दैट पर्टिकुलर नेटिव कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीएलआर बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेस. अगेन आई रिपीट, आफ्टर दैट वो जो नेटिव कोड जनरेट होगा वो सीएलआर उसे लेगा, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम,
राइट और सीएलआर क्या करेगा, बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज राइट वो पर्टिकुलर नेटिव कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन हमें आउटपुट दिखाई देगा. ओके नाउ हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिक्वेंस तो देखा राइट. नाउ वी विल सी वन अनदर सिक्वेंस विच इज ओवर हियर. अगर हम सोर्स कोड की बात करते हैं एंड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन विच इज डन बाय लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर, ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं विच आर नोन एज अनमैनेज कोड. अगेन आई रिपीट, वहां पे ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं विच आर अनमैनेज कोड कि जो जनरेट होते हैं, या फिर आप उसे अनमैनेज कंपोनेंट भी कह सकते हो कि जो वहां पे जनरेट होते हैं राइट. और वो जो अनमैनेज कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज का यूज करके एग्जीक्यूट किए जाते हैं. अगेन आई रिपीट, वो जो वहां पे अनमैनेज कोड होते हैं, अनमैनेज कंपोनेंट होते हैं, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज करके एग्जीक्यूट किए जाते हैं बिकॉज इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू दी सीएलआर राइट. सो दिस इज हाउ के एक्चुअली सीएलआर एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे वर्क करता है. अगेन आई रिपीट, दिस इज हाउ के कैसे एक्चुअल सीएलआर एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे वर्क करता है राइट. ओके नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम जो रन टाइम एनवायरमेंट की बात करते हैं राइट, वो रन टाइम एनवायरमेंट एक्चुअली है क्या. वी कैन से इट कैन होस्ट अ वराइटी ऑफ लैंग्वेजेस राइट. अगेन आई रिपीट, हम जो यहाँ पे रन टाइम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हमने अभी अभी देखा कि ओके सोर्स कोड बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है. इन शॉर्ट हम ऐसा इनडायरेक्टली कह सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट, मोर प्रिसाइज रन टाइम एनवायरमेंट कैन होस्ट वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस राइट. एंड वहां पे वो हमें कॉमन सेट ऑफ टूल्स भी प्रोवाइड कर सकता है कि जो हम राइट एनी ऑफ द लैंग्वेजेस का सोर्स कोड लिखने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बताया था कि जो हम लाइब्रेरी की बात करते हैं राइट, वो लाइब्रेरी सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि वीबी के रिलेटेड अलग लाइब्रेरी है, सी शार्प के रिलेटेड अलग लाइब्रेरी है. नो, लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी है और वो सारी लैंग्वेजेस के साथ सेम अवेलेबल है. ओनली द थिंग इज दैट डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज वहां पे थोड़ी बहुत सिंटेक्स डिफर हो सकती है राइट. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर टू डिफरेंट वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो हम एक वेब पेज वीबी का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं एंड विद इन द सेम वेबसाइट हम दूसरा वेब पेज सी शार्प लैंग्वेज का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड दो बोथ द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, दो बोथ द वेब पेजेस आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट विल प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द कोड. अगेन आई रिपीट, इट विल प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द कोड. एंड ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि सोर्स लैंग्वेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगेन आई रिपीट, सोर्स लैंग्वेज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओनली द थिंग दैट मैटर इज सोर्स लैंग्वेज जो MSIL में कन्वर्ट होती है वही यूज होती है. अगेन आई रिपीट, सोर्स लैंग्वेज जो MSIL में कन्वर्ट होती है वही यूज होती है एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स राइट. इसीलिए आप कोई भी सोर्स लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस डेवलप करो, एक ही वेब एप्लीकेशन के अंदर मोर देन वन लैंग्वेजेस का यूज करके भी आप डिफरेंट वेब पेजेस डेवलप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट. ओनली द थिंग इज दैट MSIL जनरेट हुआ, वेल एंड गुड, वो यूज हो जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट एंश्योर्स द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द कोड राइट. Okay, and this was not the thing possible with the previous VB platform, right? जहाँ पे सिर्फ VB platform था, हमने अभी अभी वो application execution cycle भी देखी कि जहाँ पे पहले सिर्फ VB language use होती थी, तो that type of interoperability is obviously not possible within that platform. लेकिन अगर हम .NET framework की बात करें, then obviously within .NET framework interoperability between the code, though it is written within two different source languages by using two different source languages, फिर भी वहाँ पे interoperability available है, right? Okay. So again, that is a very important thing you need to consider over here. All right. Now there are two different terms, that is managed code and unmanaged code. Again, I repeat, there are two different terms. हमने अभी अभी यहाँ पे देखा, this is managed code
जिसे हम मैनेज कंपोनेंट भी कह सकते हैं, एंड सेकंड इज अनमैनेज कोड, या फिर हम उसे अनमैनेज कंपोनेंट भी कह सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू टर्म्स, हम कौन से कोड को मैनेज कहेंगे एंड कौन से कोड को अनमैनेज कहेंगे। सो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो ऐसा कोड कि जो सीएलआर को समझ में आता है, दैट टाइप ऑफ कोड इज नोन एज मैनेज कोड। अगेन आई रिपीट, ऐसा कोड कि जो सीएलआर को समझ में आता है, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, रन टाइम एनवायरमेंट को समझ में आता है, दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज मैनेज कोड, राइट। एंड ऐसा कोड कि सीएलआर को समझ में नहीं आता है, राइट, मतलब जो .NET फ्रेमवर्क का जो रन टाइम एनवायरमेंट है उसे समझ में नहीं आता है, देन दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज अनमैनेज कोड, या फिर हम उसे अनमैनेज कंपोनेंट भी कहेंगे, राइट। ओके, अगर हम थोड़ा डिफरेंट वे में कहे तो द कोड दैट इज टारगेटेड टू सीएलआर, अगेन आई रिपीट, द कोड दैट इज टारगेटेड टू सीएलआर, दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज मैनेज कोड। The code that is not targeted to CLR, that particular code is known as unmanaged code, right? Again, I repeat, ऐसा कोड कि जो हम CLR को टारगेट करके लिखेंगे, that particular code is known as managed code, and ऐसा कोड कि जो CLR को टारगेट कर मतलब टारगेट में रखने रख के हमने कंसिडर नहीं किया है, then that particular code is known as unmanaged code, right? Okay. Again. थोड़ा बहुत डिफरेंट वे में बात करें तो ऐसा कोड कि जो हमने सीएलआर को ध्यान में रख के लिखा है, राइट, हमने सीएलआर को ध्यान में रख के लिखा है ताकि सीएलआर को समझ में आए, दैट कोड अगेन इट इज नोन एज मैनेज कोड। यहाँ पे मैं मैनेज कोड को कैसे हम डिफरेंट वेज में ले सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। अगेन, ऐसा कोड कि जो हमने सीएलआर को ध्यान में रख के लिखा है, मतलब जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कंस्ट्रेंट्स है, कन्वेंशंस है, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो सीएलआर को समझ में आती है, वो सीएलआर को ध्यान में रख के लिखा गया है वो कोड, देन दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज मैनेज कोड। और ऐसा कोड कि जो सीएलआर को ध्यान में रख के नहीं लिखा गया है, दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज अनमैनेज कोड, राइट। सो आप मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड को डिफरेंट वेज से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सी एज यू आर एबल टू सी, MSIL कोड इज नोन एज मैनेज कोड बिकॉज वो CLR को समझ में आता है। मीन्स वी कैन से कि जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड, वो पर्टिकुलर कोड CLR को समझ में आता है, इसीलिए हम उसे मैनेज कोड कहेंगे, राइट। लेकिन सोर्स कोड जब कंपाइल होता है तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे भी जनरेट होते हैं कि जो सीएलआर को समझ में नहीं आते, देन दैट पर्टिकुलर कोड और दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन एज अनमैनेज कोड, जो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स के अंदर देख सकते हो, राइट। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस एग्जीक्यूशन मॉडल, राइट। ओके, नाउ हमने वहां पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर की बात की, राइट। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर? जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, जो मैनेज कोड है दैट इज MSIL है, उसे वो लेगा, राइट, उसे वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर मतलब जब जो कोड की जरूरत है उसे कन्वर्ट करेगा, कंपाइल करेगा टू नेटिव कोड, एंड आफ्टर दैट दैट पर्टिकुलर कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। लेकिन वो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो चीज जरूरी है दैट इज CLR, बिकॉज CLR विल प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, राइट। सो अगेन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस CLR एग्जीक्यूशन मॉडल, राइट। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रही हूं, जो हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं या फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, व्हाई इट इज पॉसिबल टू हैव लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी विद इन .NET फ्रेमवर्क, राइट, ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ MSIL, अगेन आई रिपीट, इट इज बिकॉज ऑफ MSIL कोड। बिकॉज आप VB में लिखोगे, ऑब्वियसली सिंटेक्स डिफरेंट होगी, सी शार्प में लिखोगे, C++ में लिखोगे, ऑब्वियसली आपका सोर्स कोड के अंदर, आपके सोर्स कोड के अंदर सिंटेक्स डिफरेंट होगी,
राइट हम सिर्फ सिंपल डेटा टाइप्स की भी बात करें ना, तो वीबी के अंदर जो हम डेटा टाइप यूज करते हैं दैट इज इंटीजर, हम पूरा वर्ड लिखते हैं। लेकिन अगर हम सी शार्प एंड सी प्लस प्लस की बात करें तो वहां पे हम सिर्फ INT लिखते हैं, राइट। सो डेटा टाइप्स डिफर करती है, बहुत सारे कन्वेंशंस रूल्स डिफरेंट है, राइट। लेकिन वो डिफरेंस कहाँ पे है? सोर्स कोड के अंदर है, राइट। और सोर्स कोड क्या यूज हो के हम मतलब क्या क्या यूज करके हम कंपाइल करते हैं? ऑब्वियसली लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके हम उसे कंपाइल करते हैं। मतलब वहां पे तो CLR पिक्चर में ही नहीं आता है, राइट। वहां पे जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके रिलेटेड जो कंपाइलर है उसका यूज करके वो कंपाइलेशन हो जाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपाइलेशन किस में होता है? कंपाइलेशन MSIL लैंग्वेज में होता है। अगेन आई रिपीट, कंपाइलेशन MSIL लैंग्वेज में होता है एंड दिस MSIL लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू .NET फ्रेमवर्क। अगेन आई रिपीट, दिस MSIL लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू .NET फ्रेमवर्क, राइट। .NET फ्रेमवर्क की अगर हम लैंग्वेज की बात करें देन दैट इज MSIL। VB भी नहीं है, सी शार्प भी नहीं है, सी प्लस प्लस भी नहीं है, कोई और लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क की नहीं है, राइट। अगर हम सिर्फ .NET फ्रेमवर्क की लैंग्वेज की बात करें देन दैट इज MSIL। और MSIL की सिंटेक्स से लेके डेटा टाइप से लेके ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, राइट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि ओके, आप VB के अंदर कोडिंग करते हो इसीलिए आप VB की डेटा टाइप यूज करते हो इंटीजर। लेकिन जब वो MSIL के अंदर कंपाइल होता है तो उसे इंटीजर से कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो जो कंपाइलेशन होता है दैट कंपाइलेशन इज डन विद द डेटा टाइप्स दैट आर स्पेसिफिक टू .NET फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटीजर की बात करें तो .NET के अंदर देर आर थ्री डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर वन डेटा टाइप विच इज प्रेजेंट इन VB, दैट इज इंटीजर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम डॉट इन 16, सिस्टम डॉट इन 32, सिस्टम डॉट इन 64, राइट। डिपेंडिंग ऑन द साइज, राइट, ये वहां पे थ्री डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल है फॉर इंटीजर। सो VB के अंदर अगर वो इंटीजर डेटा टाइप की साइज है 2 bytes, राइट, तो वो वहां पे ऑटोमेटिक ले लेगा उस हिसाब से विद इन MSIL, राइट। लाइकवाइज सी शार्प के अंदर अगर वो 4 bytes है तो उस हिसाब से MSIL के अंदर जो .NET की डेटा टाइप है वो अपने आप ले लेगा, राइट। दैट इज सिस्टम डॉट इन 16 2 bytes है तो, सिस्टम डॉट इन 32 दैट इज 4 bytes है तो, राइट, उस हिसाब से वो अपने आप ले लेगा। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि जब भी कोई भी कोड .NET के अंदर MSIL में कन्वर्ट होता है दैट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब वो कोड कहीं पर भी जाके एग्जीक्यूट करो कि जहां पे .NET फ्रेमवर्क अवेलेबल है वहां पे कोई टाइप के रिलेटेड या फिर कोई भी सिंटेक्स के रिलेटेड या फिर कन्वेंशन के रिलेटेड वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो MSIL कोड है कि जो .NET का खुद की लैंग्वेज है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैं हर बार आपको कहती हूँ कि जो पोर्टेबिलिटी का फीचर मिलता है, राइट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस MSIL, राइट। एंड जिसे हम लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी भी कहते हैं या फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हम कहते हैं, राइट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस MSIL एंड दैट्स व्हाई दिस MSIL कोड इज द मैनेज कोड। हमने उसे टैग दिया है दैट इज इट इज मैनेज कोड, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एग्जीक्यूशन मॉडल, मोर प्रिसाइज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉडल, की जो .NET के अंदर अवेलेबल है, राइट। ओके।